मैं एक बात कहूँ आपसे, जब मैंने प्रीता माँ को यहाँ से जाते हुए देखा ना, वो बिल्कुल ठीक लग रही थी, फिट एंड फाइन, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा था। आई थिंक वो आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसलिए तो वो किसी को बिना बताए, किसी से बिना मिले यहाँ से चली गई। वो तो बाई चांस मैंने उन्हें देख लिया जाते हुए। तो जब तुमने उन्हें जाते हुए देखा तो रोका क्यों नहीं? मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। इनफैक्ट उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आकर आपसे मिलूं और आपसे कहूं कि वो अपने घर जा रही है, आप अपने घर जाइए और आपको यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। प्रीता को ना मैं छोड़ूंगा नहीं, समझती क्या वो अपने आप को? बिना किसी से मिले, बिना कुछ कहे चली गई हो यहाँ से, और मैं पागलों की तरह वहाँ वेटिंग रूम में इंतजार कर रहा हूँ। इस प्रीता को ना मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको तुम। अरे एक बात तो, कहाँ चला गया ये? काम क्यों नहीं करता मैं? जाकर डॉक्टर से मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने डिस्चार्ज दिया कैसे, कोई मुझसे बिना पूछे। धनी उसकी तबीयत कैसी होगी, घर तक भी पहुंच पाएगी या नहीं, पहले डॉक्टर से जाके बात करता हूँ, उसके बाद में मॉम को फोन करूंगा मैं। आगे डॉक्टर शर्मा। यस डॉक्टर खन्ना, मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ अलग है। आई वॉज राइट। क्या हुआ? ये प्रीता के MRI रिपोर्ट्स हैं, मैंने स्टडी कर लिया है, आप भी देख लीजिए। डॉक्टर खन्ना, लुक एट दिस। आप सही थे डॉक्टर शर्मा। ओह माय गॉड, प्रीता अपनी यादाश्त खो चुकी है। एब्सोल्युटली डॉक्टर खन्ना, मैंने आपसे कहा था ना कि प्रीता के सर पर जो चोट लगी है ये आज के अटैक के नहीं है, इनके सर पर ये जो चोट है ये बहुत पहले के निशान है। डाउट तो पहले से ही था, जो इस MRI रिपोर्ट ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया। हाँ डॉक्टर शर्मा, इस रिपोर्ट में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रीता अपनी याददाश्त खो चुकी है। मुझे लगता है कि सालों पहले या बहुत पहले कुछ ऐसा हुआ होगा, या कोई चोट उसके सर पे लगी होगी जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। मैं अभी करण लोथरा को मिला था और मैंने उन्हें कहा था कि मैं उन्हें अपडेट दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है डॉक्टर शर्मा, मुझे करण लोथरा को बताना होगा कि प्रीता अपनी याददाश्त खो चुकी है। तो डॉक्टर खन्ना, हेलो। अरे ये क्या ड्रामा है मिसेस शर्मा, हुँ? तुम मुझे घर में आने क्यों नहीं दे रही हो? हाँ ठीक है, हमारा झगड़ा हुआ था, पति पत्नी में होता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि पत्नी पति को घर में घुसने ही ना दे। देखो तुम ये मेरे साथ सही नहीं कर रही हो। अरे बात, हाँ ठीक है, मत आने दो मुझे घर में, लेकिन याद रखना मेरे पास मेरा पुलिस स्टेशन है, मैं यहाँ रह सकता हूँ। तुम्हें जितना नाटक दिखाना है, जितने नखरे दिखाने, दिखाओ। बाय। क्या हुआ सर? सॉरेन आने से मना कर दिया, वो कहता हूँ इनसे मिलना नहीं चाहता। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।